हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बताने वाला हूं कि वो जो अपना जो डैशबोर्ड पे जो लाइट जला दिया था वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर के बारे में, और डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर आप यहां से देख सकते हो कि क्या कहां क्या होता है, तो इसी के साफ़ करने के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि वाटर सेपरेटर में भी कचरा आ चुका है, और जो सप्लाई करता है अपना डीजल फिल्टर, इसमें भी कचरा भर चुका है, यहाँ से चेक होता है। तो इसको अभी हम खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे भी कि कितना कचरा इसमें आ चुका है, और इसीलिए अपना जो डैशबोर्ड पे है लाइट जलाता है बार बार, और वाटर सेपरेटर को भी साफ़ करेंगे। तो पहले वाटर सेपरेटर को साफ़ करेंगे, उसके बाद डीजल फिल्टर को साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो सबसे पहले हम वाटर सेपरेटर को साफ़ करेंगे। वाटर सेपरेटर साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, तो यहाँ से नीचे से खोलना है। आपको हम अगले वाले वीडियो में भी बताए थे वाटर सेपरेटर में क्या है, जो बोलते हैं जो पानी भरा रहता है। आप देख सकते हो कि ये डीजल नहीं है, ये पानी जैसे है, और पानी ही है क्योंकि वाटर सेपरेटर पानी का ही वो काम करता है। तो सबसे पहले ये एलेंकी ले करके इसके अंदर दिखाएंगे टंकी से निकाल करके, और उससे पहले पाइपलाइन भी क्लियर करेंगे। अभी यहाँ से पता चलेगा कि पाइपलाइन क्लियर करने के बाद, ये अभी हम दिखाते हैं थोड़ा। देख सकते हो कि जो अपना वाटर सेपरेटर जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ये देख सकते हो कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और पाइपलाइन क्लियर करना है। ये जो है पाइपलाइन क्लियर कर दिया, फिर इसको ऊपर कर देना, ऊपर रख देना, ऊपर रख देना है। उसके बाद हमें करना क्या है, तो ये जो डीजल फिल्टर जो है इसको मतलब साफ़ करना। खोलने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, तो आप ये देख सकते हो कि काला स्विच वायर दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले स्विच खींच देना है। उसके बाद इसको यहाँ से खोलना है, यहाँ से खोल करके आप देख सकते हो कि इसमें क्या भरा हुआ है दोस्त, कितना कचरा है। और इसीलिए जो अपना डैशबोर्ड पे जो मतलब लाइट जो आता है, बार बार लाइट जो चला देता है, यही कारण है कि इसमें कचरा भर जाने से बार बार डैशबोर्ड पे लाइट जला देता है। वाटर सेपरेटर में जो कचरा पानी आ जाता है और उसको साफ नहीं करता है, तो इसीलिए लाइट जला देता है। और कभी भी मतलब तेल के कचरा से ऐसे होता है ये सब। तो चलिए इसको साफ़ करते हैं, अभी हम आपको बताएँगे। तो दोस्त, आप देख सकते हो कि ये जो डीजल फिल्टर जो है, पंप फिल्टर, इसको खोलने के लिए क्या करना है, तो यहाँ से मतलब दो आदमी पकड़ के, एक आदमी आगे से पकड़ेगा हाथ से और दूसरा इधर से पकड़ेगा, इसके बाद इस साइड पकड़ो, इसके बाद इसको खोलना है दोनों साइड से। नचाओ करीबे वाला घूमते कोनो भर नचाओ ना। आप देख सकते हो कि ये खुल चुका है, और ये खुलने के बाद अभी हम आपको बताएँगे कि कितना इसमें देख सकते हो, आपको बताते हैं। इसको मतलब साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि ये तेल है, देख सकते हो कि ये क्या है, इससे निकला हुआ है, और इसको साफ़ नहीं करेंगे तो मशीन जो, देख सकते हो कि कितना जल्द मैं खोल चुका हूँ, और देख सकते हो, आप देख सकते हो कि इसके अंदर बोल्ट लगा रहता है, और इसके अंदर पाना डाल करके हमें बोल्ट खोलना होता है। बोल्ट खोलकर देख सकते हो कि उसके बाद यहाँ से खोलना है, उसके बाद पूरा क्लीन कर देना है कि देख सकते हो कि यहाँ से जो बोल्ट होता है इसमें 14 नंबर मतलब पाना लगता है। और आप देख सकते हो कि इसको खोल करके यहाँ से देख सकते हो कि इसमें कितना कचरा है यार होगा, तो इसको इसमें हाथ डाल करके इसको आसान तरीका से मतलब, और उसके बाद देखो, देख सकते हो भाई ये ऑयल है या क्या है, ये कैसा है? रहता है तो अच्छा रहता है, अभी हम अभी आपको बताएंगे। तो दोस्त, जैसे ही मतलब आप लोगों का मशीन में जो डैशबोर्ड पे जो लाइट रहता है ना दोस्त, तो वाटर सेपरेटर और जो अपना डीजल फिल्टर जो रहता है, इसको चेक करना बेहद ज़रूरी रहता है, और चेक करना ही चाहिए क्योंकि उससे मशीन क्या रहता है, तो साफ़ डीजल से साफ़ करना है। तो इसमें थोड़ा डीजल डाल देंगे, और डीजल भर करके, इसमें डीजल भर चुके हैं देख सकते हो, और इसको थोड़ा हिला करके ऐसे, और इसको मतलब क्लीन कर देना है, इसको क्लीन कर देना है। उसके बाद एक फिल्टर को साफ़ करना है एक बार, और साफ़ डीजल से साफ़ करना है। तो इसमें फिर से डीजल देंगे, साफ़ डीजल डाल रहे हैं देख सकते हो कि इसमें साफ़ डीजल डाल करके
उसके बाद इसको एक बार और इसको साफ़ करना है साफ़ डीजल से। साफ़ डीजल से साफ़ करने के बाद इसको टाइट कर देना है। एक सब दो ऐसे चेक करके ऐसे हिला करके आप साफ़ डीजल को मतलब क्लीन कर देना है। देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ये जो अपना जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। एक बार और फिर से डालेंगे क्योंकि ये बहुत ही मतलब इसको जितना क्लीन रखोगे आपका इंजन सेफ़ रहेगा, और सेफ़ रखना पड़ता है, तो इसीलिए इसको दोबारा हम फिर से करेंगे साफ़ डीजल से दोबारा वो करके फिर से हम टाइट करेंगे। देख सकते हो कि ऐसे हिला करके बिल्कुल क्लीन हो चुका है, आपके नज़र के सामने है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से टाइट कर देना है ये जो वाइल्ड सील जो बताए थे, इसको बिल्कुल झाड़ करके इसको यहाँ से साफ़ कर देना है, और इसको साफ़ करने के बाद इसको टाइट करना है यहाँ से। इसको साफ़ करने के बाद इसको यहाँ से टाइट ऐसे करके उसके बाद इसको टाइट करना है अच्छे तरीक़े से। देख सकते हो कि कैसे कपड़ा लगा करके टाइट किया जाता है ये, और बस हो गया। टाइट करने के बाद इसमें डीजल डालेंगे ताकि ज़्यादा पंप हमको जो वहाँ से जो पंप नहीं मारना पड़ेगा, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे। इसमें जो डीजल जो डालता है ना जब मतलब टाइट करने के बाद, तो इसमें धीरे धीरे मतलब डीजल डाला जाता है ताकि नीचे तक जाएगा। ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें भी भरना चाहिए, देख रहे हो कि भर चुका है। इसके बाद वहाँ पे टाइट करेंगे, फिर भी हमको पंप मारना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, देख सकते हो कि ऐसे इसमें डीजल डाल करके इसके बाद इसको इंजन में टाइट करना है, मशीन के अंदर जो है टाइट कर देना है। देख सकते हो कि भर गया है, और इसको अच्छे तरीक़ा से मरा और खाली हुआ है क्योंकि ये फिल्टर है, डीजल फिल्टर है। इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा मतलब चारों साइड से वो होता है ना जाली जैसे रहता है, तो इसमें सब में भरता है, उसके बाद ये भरता है। तो ये भर चुका है, देख सकते हो दोस्त। तो चलिए अभी मशीन के अंदर टाइट कर। दोस्त आप देख सकते हो कि इसको टाइट कैसे किया जाएगा, तो इसमें लगा रहे हैं अभी, देख सकते हो कि ऐसे यहाँ पे जो खाँच रहता है इसको खाँच मिला कर ऐसे करके मतलब इसको टाइट कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद वो जो वायर जो निकाले थे, आप देख सकते हो कि ये जो वायर जो निकाले थे इसको फिर से डाल देना है, इसको फिर से वहीं पे लगा देना जहाँ पे लगा था। देख सकते हो कि लग चुका है। उसके बाद डीजल का जो हेड वायर था डीजल टंकी का, तो उसको भी हमें टाइट करना है अभी, टाइट कर देंगे यहाँ से। और इसका जो वेल्ड सील होता है इसको भी बोल्ट के ऊपर से लगा देना है, उसके बाद टाइट करना है। ठीक है, आप देख सकते हो इसको टाइट कर देना है। उसके बाद जो पाना जो है इससे इसको हमें टाइट कर देना अच्छे तरीके से, उसके बाद पंप मारना है। वाटर सेपरेटर का जो अंदर का जो बोल्ट होता है इसको लगा देना है, देख सकते हो अच्छे तरीके से इसको लगा करके पंप मारना है। तो दोस्त की इस तरीके से पाइप मार जाता है, और जो वाटर सेपरेटर जो है वहाँ पे जो डीजल भर रहा है, तो इसको करना क्या है, जल्दी भरने के लिए थोड़ा थोड़ा एयर निकाल देना है, इसको एयर निकाल करके उसके बाद मारना है। बंद करो। कैसे होगा पंप, तो इसके बारे में हम अभी आपको बताए हैं और फिर से बता रहे हैं। इसको मतलब जो ईयर वाला जो बोल्ट रहता है इसको घुमा करके इसको पूरा ईयर निकाल देना है अच्छे तरीका से। देख रहे हो कि ईयर जो है, ईयर इसमें अभी है ही, ईयर जब कम हो जाएगा तो उसके बाद ईयर को, ईयर वाले बोल्ट जो होता है उसको टाइट करके उसके बाद इसको पूरा हार्ड कर देना है। तो दोस्त ये जो पंप जो है बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि अभी जो हम जो बताए थे कि डीजल फिल्टर का जो कैसे साफ़ करना पड़ता है, तो इसके बारे में हम बताए हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्त अब हम क्या करेंगे, तो ये जो पंप जो हार्ड कर चुके हैं, और अब हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे कि अपना डैशबोर्ड पे लाइट जला रहा है या नहीं। सकते हो कि हम अपने केबिन के अंदर आ चुके हैं, और उसके बाद मशीन जो है जो हमें स्टार्ट करेंगे क्या है। देख सकते हो कि इसमें लाइन आ चुका है, और जो वाटर सेपरेटर वाला जो था और जो सिग्नल जो दे रहा था पहले से, वो सिग्नल भी जा चुका है। यहाँ पे वो सिग्नल दे रहा था, वो भी सिग्नल हट चुका है। कुछ स्टार्ट करेंगे, मशीन को हम स्टार्ट कर दिए, और वो जो एक भी डैशबोर्ड पे जो है लाइट नहीं जला रहा है, आप देख सकते हो। और अपना जो मशीन का जो आवाज़ है वो भी क्लियर है। नहीं जलाएगा तो फिर हम समझेंगे कि जो अभी जो वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर जो साफ़ किए हैं
तो अपना जो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो दोस्त हमें उम्मीद है कि जो अभी जो वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर का जो अच्छा निकालने का जो अभी जो हम आपको बताए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करो, प्रत्येक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर हमसे आप बात करना चाहते हो तो मेरा जो नंबर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, तो आप मेरे से बात करके प्रत्येक नॉलेजेबल वीडियो आप मेरे से पूछ